सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर देखो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बेसिस पे दिल्ली यूनिवर्सिटी की रिकमेंडेशन जो आई है उसके लिए मैं वीडियो ऑलरेडी परसों बना चुका हूँ एंड आप सबने वो देख भी ली होगी। नहीं देखी तो उस वीडियो को भी एक बार आप देख लेना, उसमें काफी चीजें हैं जो आपको समझने वाली हैं। बिकॉज अब जो कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम है, जो यूजी प्रोग्राम है, उसका करिकुलम है कंप्लीटली चेंज जो है अब होने वाला है, तो उसमें मैं आपको सारी डिटेल बताएंगे कि क्या क्या अब आगे होगा। तो उसको जो है काफी लोग कह रहे कि जो अब ये आएगा, जो इम्प्लीमेंट होगा 2021 के बैच वालों के लिए, तो उनके लिए काफी है कि डिसएडवांटेज रहेगा, उनको काफी दिक्कत होगी इसमें, इसमें आपके नुकसान होंगे। तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या बेनिफिट है इस डीयू के न्यू 4 ईयर प्रोग्राम में, जो ये नई इंप्लीमेंटेशन होने वाली है, इनके क्या क्या फायदे हैं। एंड अगर आप मुझसे पूछो मेरे ओपिनियन अनुसार, देखो इसमें आपके फायदे ही फायदे हैं। क्यों है वो अभी हम डिस्कस करेंगे, तो पूरी वीडियो को यार ध्यान से देखना, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है काफी, तो आप पूरी वीडियो देखो, एक भी पॉइंट मिस मत करना, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए, आपके अब जो यूजी प्रोग्राम में आप जाओगे उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखो एंड अब हम चलते हैं हमारी वीडियो की तरफ। देखो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव्स, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन अब आपको एक बार फिर समझाऊंगा ताकि आपको जो एक तरीके से इंसाइट दे सकूं आगे वाले बेनिफिट्स का, ठीक है ना। तो यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है मल्टी डिसिप्लिनरी एंड इंटर डिसिप्लिनरी लर्निंग। तो यहाँ पे जो है आपको खाली देखो यार, अभी तक क्या है, आप जो भी कोर्स कर रहे हो वो आपका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपको ये चीज पढ़नी है, इसके बाद आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी एंड इसके बाद जो है आप जो है जॉब करो, बिजनेस करो, कुछ भी करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यार अब जो है आपको एक मल्टी डायमेंशनल होता है ना, जैसे कि एक की जगह आपको और भी काफी चीजों पर आपका फोकस करवाया जाएगा, जिससे सिर्फ आप जो है एक चीज में नहीं काफी चीजों में अपने आप को डेवलप कर सकते हो। तो एक तरीके से ये आप समझ सकते हो फर्स्ट पॉइंट का ऑब्जेक्टिव। सेकंड है यहाँ पे होलिस्टिक करिकुलम, ठीक है ना। तो अब जो करिकुलम आपका होगा उसमें जो है आपकी इंडियन और इंटरनेशनल लैंग्वेजेस, एथिक्स, कल्चर, सोशल इमोशनल लर्निंग और को करिकुलर एक्टिविटीज को इंक्लूड किया जाएगा। तो अभी इस वाले पॉइंट के बारे में डिस्कस मैं थोड़ा आगे करूंगा पूरी डिटेल में कि क्यों ये आपके लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। एंड सही बताऊं यार, देखो जो लोग कह रहे हैं कि जी अब आने वाले टाइम में जो भी अब इस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उनके लिए डिसएडवांटेज है, यार गलत चीज है। अगर मैं कहूं कि ये चीज अगर प्रेजेंटली हमारे में तो काफी इंप्रूवमेंट आती भी सिस्टम में, बट ये थोड़ा लेट इंप्लीमेंट हुआ है, बट कोई बात नहीं, अब जो आगे आएंगे बच्चे उनके लिए काफी एक बेनिफिशियल रहेगा। ये कैसे रहेगा वो अभी आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड है यहाँ पे स्किल एनहेंसमेंट। यार देखो अब इसके बारे में मैं क्या ही बात करूं, अब देखो यार आप चाहे आगे जाके जॉब करना चाहते हो, चाहे स्टार्टअप खोलना चाहते हो, चाहे बिजनेस खोलना चाहते हो, कुछ भी करना चाहते हो या फिर फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप करना सबसे जरूरी है आज के टाइम में। चाहे आपके पास कितनी डिग्रियां क्यों ना हो, लेकिन अगर आपके पास स्किल नहीं होगी ना, वो स्किल सेट नहीं होगा आपके पास, तो आप एम्प्लॉयबिलिटी के लिए रेडी नहीं हुए हो। आपको चाहे अपना खुद का काम करना है, चाहे कहीं पर जॉब लेनी है, तो हर कोई आज के टाइम में आपसे स्किल चाहता है। अगर आपके पास स्किल नहीं है तो वो चीज आपके कुछ काम नहीं, कि चाहे कितनी डिग्री आपके पास क्यों ना हो, ठीक है ना। तो आपके यहां पे इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद आपकी स्किल एनहेंसमेंट पे वर्क किया जाएगा। तो यहां पे यार स्किल्स कौन सी होगी, तो इसमें आपकी रिलेटेड टू होगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डाटा एनालिसिस। देखो यार ये दोनों ही चीज, जो आपकी आईटी है और जो आपका डेटा एनालिसिस है, ये दोनों ही यार इस टाइम पे काफी बूम स्टेज पे है, काफी जरूरत इसकी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको बहुत काम आएगा, चाहे वो इकोनॉमिक्स की फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस की फील्ड हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, वहां पे आपको ये चीजें काम आएंगी। तो ठीक है यार, मेन चीज यहां पर जब बात आती है स्किल्स के ऊपर, तो यार कॉम्प्रोमाइज कभी भी नहीं करना चाहिए। अभी तक इतना जो है यहां पे एफर्ट नहीं डाला गया था स्किल एनहेंसमेंट पे, बट ये काफी अच्छा लगा मुझे कि अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है और जो अब इंप्लीमेंट होगी उनके अंदर फोकस में रखा जाएगा स्किल डेवलपमेंट पे। एंड यार ये वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है कि जिससे जो है आपको खुश होना चाहिए कि आपके लिए जो होने वाला है वो बेनिफिशियल होने वाला है, कहीं पर भी आपके लिए कुछ गलत नहीं होगा, ठीक है ना। जब आपकी स्किल की बारी आई तो यार देखो मैं तो कहूंगा कि यार काश ये मेरे टाइम पे भी इंप्लीमेंट होता तो काफी और अच्छा रहता है यहाँ पे, बट चलो यार कोई नहीं, बेनिफिट कभी भी मिले सबको ले लेना चाहिए। तो अब जो है आप लोगे एडमिशन तो आपको बहुत फायदा मिलेगा इसके ऊपर, ठीक है ना। काफी बात हो गई, इस पर बात करते हैं यहाँ पे डी पॉइंट के बारे में।
जो यहाँ पे रिसर्च टू बी इनकॉर्पोरेटेड एज अ की कंपोनेंट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। देखो यार ये मैंने उस दिन वाली वीडियो में डिस्कस किया था बट फिर डिस्कस कर रहा हूँ। देखो यार आप कोई फील्ड, आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, तो चाहे फॉर एग्जांपल अगर आप बीकॉम ऑनर्स में जा रहे हो तो रिसर्च का जो काम है ना वो आपको एज अ यूजी लेवल पे नहीं मिलता था। आप अगर आगे जाके और कर रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो या फिर पीएचडी कर रहे हो, तब जाके आपको रिसर्च का काम मिलता था। लेकिन ये एक काफी अच्छी चीज है कि अब आपको जो है स्टार्टिंग लेवल पे ही, यूजी लेवल पे ही मौका मिल रहा है रिसर्च करने का। अब आपको यार रिसर्च करेंगे क्या? देखो यार अगर आपको किसी फील्ड में एक्सपर्ट बनना है, मैं उनके लिए नहीं कह रहा, देखो इसका भी ऑप्शन है, ये नहीं कि आपको गारंटी जाके रिसर्च करनी करनी है, बट अगर आपका इंटरेस्ट है कि उस फील्ड में जो भी आप ग्रेजुएशन करोगे, जिस भी फील्ड में, जिस भी कोर्स में, अगर आप चाहते हो उसमें और अपने आप को डेवलप करना और उस चीज में डीपली जाकर उसको अच्छे समझना, तो यार आपको यूजी लेवल पे मौका मिल रहा है रिसर्च करने का, तो इससे अच्छी क्या बात है यार। तो यार ये भी एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है जिसको आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आप समझो इन चीजों को तो हर चीज में आपके लिए विन विन सिचुएशन है, कहीं पर भी आपका नहीं हो रहा है। ठीक है ना, जहां पे बात हो गई रिसर्च की, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अडॉप्शन ऑफ एप्रोप्रिएट पेडागोजीज टू प्रमोट एक्टिव स्टूडेंट पार्टिसिपेशन इन द लर्निंग प्रोसेस सो एज टू प्रमोट क्रिएटिविटी एंड अ स्पिरिट ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड एडवेंचर। तो यार देखो आप कोई भी कोर्स करने जाओगे अब इस ईयर से, तो मेन चीज यहाँ पर ये कि फोकस किया जाएगा किस तरीके से आपकी खुद की क्रिएटिविटी आपके लर्निंग प्रोसेस में, साथ में आप कैसे अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हो इस फील्ड में, उस पर फोकस किया जाएगा, जिससे जो है ये नहीं कि खाली आपको एग्जाम क्लियर करके डिग्री लेनी है, आपको ये भी इंटरेस्ट डेवलप किया जाएगा कि कैसे आप अपनी खुद की क्रिएटिविटी को पहचान सकते हो, कैसे आप खुद उस फील्ड में अपने आप को क्रिएटिव बना सकते हो। तो यार देखो इससे अच्छी चीज क्या होगी, जितनी ये चीजें सुनने में अच्छी लग रही हैं उससे ज्यादा अच्छी चीजें जब आप करोगे तब पता चलेगा। बाकी मैं यार काफी इंटरेस्टेड हूं इस चीज को जानने के लिए यार कैसे ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होती है एंड कैसे इसको वर्क में लिया जा सकता है, बिकॉज अभी तक ये चीजें इतनी नई है। ओके नेक्स्ट है यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर गेनिंग एज वेल एज क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। देखो यही चीज है कि यहाँ पे प्रॉपर आपके लिए ये दिखा जाएगी कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जाती है, ये मैं आपको उस दिन बता भी चुका हूँ। लेकिन देखो यार मेन चीज यहाँ पर क्या है, हर कोई आज के टाइम में इस उसमें रहता है कि हमें जाके एम्प्लॉयमेंट लेनी है, हमें जो है जॉब लेनी है, बट क्यों इतना अच्छा हो, मतलब ऐसा अच्छा ही होगा कि जब आप खुद ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर पाओ, मतलब खुद ही आप जो है रिक्रूट कर पाओ स्टूडेंट्स को, लोगों को, तो यार ये चीज भी अच्छी है, ये भी काफी लोगों को सीखनी चाहिए, आनी चाहिए, तो वो भी आपका प्रॉपर इसमें सिखाया जाएगा। ओके नेक्स्ट यहाँ पे एंगेजमेंट विद इंडस्ट्री एंड सोसाइटी। अब यार देखो ये काफी इंपॉर्टेंट है, वैसे इस टाइम पे भी ये प्रॉपर चलता है, इंटर्नशिप्स भी होती है, प्रोजेक्ट्स भी होते हैं, डिसर्टेशंस भी होते हैं, तो मेन चीज यहाँ पर क्या है, यहाँ पे फोकस किया जाएगा कि कैसे, बिकॉज अब देखो हर कोर्स में ये चीजें नहीं होती हैं, बट मेरे ख्याल से अब ये फोकस करेंगे हर एक कोर्स में इस चीज को इंक्लूड करना। फॉर एग्जांपल अगर मैं बीकॉम ऑनर्स कर रहा हूं तो इसमें चीज है कि हमें इंटर्नशिप करनी है, बट कंपल्शन नहीं है, कंपल्शन नहीं है, तो ये अब एक कंपल्शन ला देंगे। कंपल्शन इन द सेंस ये कि अगर आप फोर्थ ईयर में जा रहे हो और आपको और एक बेनिफिट चाहिए तो एड ऑन में आप इंटर्नशिप्स करोगे तो प्रॉपर आपको और बेनिफिट मिलेगा। तो अब देखो यार मेन चीज क्या है, आप पढ़ते हो उस चीज को, आपने पेपर में लिखा, आपने समझा, ठीक है ना, लेकिन अब उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए। प्लेटफॉर्म कहां मिलेगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपको करनी पड़ेगी इंटर्नशिप। तो अभी भी लोग करते हैं इंटर्नशिप, करते ही हैं, मैक्सिमम सभी करते हैं, लेकिन मेन चीज यहां पर यह है कि अब जब आपके लिए जरूरी हो जाएगा ना, जब आपको करना करना जरूरी है, तो उस केस में जो है आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा उसके अंदर, एंड इंटर्नशिप करने से जो है आपको उस फील्ड में एक एक्सपर्टीज हासिल होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे एनहेंसिंग प्रोस्पेक्ट्स फॉर सोशली एंड इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज एंड डिफरेंटली एबल स्टूडेंट। तो जो उनके प्रोस्पेक्ट्स थे उनको भी एनहेंस किया जाएगा, जिससे उनको भी कोई दिक्कत ना हो, उनके लिए एक बेनिफिट एड ऑन हो सके। नेक्स्ट है यहाँ पे, एंड जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यहाँ पे प्रोविजन फॉर क्रेडिट ट्रांसफर इन बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। मतलब यार अब ये चीज हो जाएगी कि यार अगर आप बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ते हो फॉर एनी रीजन, तो आप आगे जाके उसको वहीं से कंटिन्यू कर सकते हो, नॉट ओनली इन द प्रीवियस यूनिवर्सिटी, ऑल्सो इन अनदर यूनिवर्सिटी इन अब्रॉड ऑल्सो। मतलब आप चाहो तो बाहर जाकर भी उसको कंटिन्यू कर सकते हो वहीं से जहां से आपने छोड़ा था, और वो सब चलेगा आपके क्रेडिट्स के बेसिस पे। तो उससे अच्छी बात क्या होगी, बिकॉज अगर आपने बीच में किसी भी एक सिचुएशन की वजह से
कई बार यार बीच में लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको वापस जॉइन करना है, तो आपको स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। आप जो है बीच से भी स्टार्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपका इंटरेस्ट है कि जी हाँ मेरा एक साल दो साल हो गया है अब मुझे ठीक है मुझे आगे कंटिन्यू करना है, तो आप बस वहां से अपना सर्टिफिकेट डिप्लोमा लो, आपके पास वो प्रूफ होगा। अभी के चल रहा है अगर आपने अपने बीच में ग्रेजुएशन छोड़ी तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आप जो है बिल्कुल ब्लैंक होगी, जी नहीं आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुई। लेकिन अब ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिससे आपको यहाँ पे एक साल में छोड़ोगे तो आपको जो यहाँ पे सर्टिफिकेट मिलेगा, दो साल में डिग्री मिलेगी, डिग्री कह रहा हूँ सॉरी डिप्लोमा मिलेगा, एंड तीन साल में जो है आपको डिग्री मिलेगी, चार साल में आपको एनहेंस होकर डिग्री मिलेगी। तो काफी बढ़िया चीज है यार ये, ठीक है ना। अब बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज के बारे में जो है यहाँ पे एड ऑन कोर्सेज, जिसके नाम बोल रहे थे यार ये कोर्सेज आपको करने को मिलेंगे। एंड यार ये कोर्स जैसा आप सोच रहे हो, ये नहीं कि आपको यार पढ़ाई में बर्डन मिलेगा, ये कोर्सेज होंगे आपकी मेंटालिटी को डेवलप करने के लिए कि किस तरीके से इन फील्ड्स में चीजें होती हैं। अगर आप इन कोर्स पे नजर मारो तो यार ये कोर्स अपने आप में ही काफी वैल्यूएबल है। चाहे आप बात करो यहाँ पे सोशल एंड इमोशनल लर्निंग के, जो आज के टाइम की नेसेसिटी बन चुकी है, आपकी खुद की हेल्थ की वो केयर करना, वेलबींग प्रमोट करना, ये सब चीज आज के टाइम में जरूरत बन चुकी है और वो इसमें वो एड कर रहे हैं। सो रियली आई एम हैप्पी कि यहाँ पे डीयू ने इनिशिएटिव लिया है इन चीजों को, इन कोर्सों को एड करने में, जिसका यार सही में मुझे भी लग रहा है कि यार ये कोर्स अगर जब मैंने अपनी स्टार्ट करी थी ग्रेजुएशन अगर तब भी होते तो यार काफी अच्छा होता, बिकॉज कुछ सीखने को मिल रहा है। और देखो मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार आपको फोकस किस पे करना चाहिए, सिर्फ सीखने पे, बिकॉज अगर आप सीखने पे फोकस करोगे तो यार अपने आप ही आपको जो है सक्सेस भी मिलेगी, जो चीज आप चाहते हो वो मिल जाएगी। बिकॉज आज का टाइम इतना ज्यादा एडवांस हो चुका है कि आपके साथ डिग्री लेने वाले लाखों हैं, बट उसमें आपको अगर ऊपर उठना है ना तो आपकी स्किल्स ज्यादा होनी चाहिए, आपकी नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए, और वो होगी जब आप नई चीजें सीखोगे। तो काफी अच्छा है कि डीयू ने यहाँ पे ये चीजें जो है यहाँ पे अब इम्प्लीमेंट करने के सोचे कि यहाँ पे ये सब कोर्स आपको मिलेंगे, चाहे वो आपकी ये सोशल एंड इमोशनल लर्निंग हो, चाहे वो आपकी इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप हो। ये भी काफी अच्छा है कि कुछ नया इनोवेट करना सिखाएंगे यहाँ पे आपको। एंटरप्रेन्योरशिप कैसे होती है, कैसे यार देखो ये जरूरी नहीं कि आप बीबीए करोगे तभी आपको चीज सीखने को मिलेगी, आप ये चीज है कि अब और कोर्सों में भी आपको ये चीज सीखने मिलेगी, कैसे यहाँ पे आपको जो है स्किल्स अक्वायर कैसे कर सकते हो आप रिलेटिंग टू क्रिएटिव सोशल एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स। तो काफी अच्छा यार कोर्स है ये भी, को करिकुलर। अगर आपका इंटरेस्ट है म्यूजिक में या फिर आर्ट में, गार्डनिंग में, स्पोर्ट्स में, किसी में भी, सिंगिंग में, तो अब जो है उनको प्रमोट किया जाएगा। मतलब खाली एडमिशन के लिए आपके पास हो ये जरूरी नहीं है, अब आगे जब आप कॉलेज में जाओगे उसके बाद भी को करिकुलर एक्टिविटीज पे फोकस किया जाएगा। तो काफी अच्छा यार, मतलब अब जो नए टैलेंट्स है वो भी उभर के आएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे एथिक्स एंड कल्चर बहुत जरूरी चीज है, बहुत ज्यादा जरूरी है आज के टाइम में, ये सिखाया जाएगा आपको। आईटी स्किल्स हो गई, डेटा एनालिसिस हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, इन सब चीजों की स्किल्स जो आजकल हर एक इंडस्ट्री में चाहिए, हर एक कॉर्पोरेट सेक्टर की किसी भी फील्ड में चाहिए, ये स्किल्स होना बहुत जरूरी है आपके पास। एंड ये भी अब आपको सीखने को मिलेगा विदाउट एक्स्ट्रा कॉस्ट, मतलब ये नहीं कि आपको इन कोर्सों को अलग से पे करना पड़ेगा, जो आपका कोर्स होगा उसी के साथ ये इंक्लूड हो जाएंगे। तो यार अब बताओ उनको ये वीडियो सेंड करना जो आपको बोल रहे कि यार आपका नुकसान होने वाला है आगे, बिकॉज आपका फायदा ही है इसके अंदर। ओके नेक्स्ट यहाँ पे साइंस एंड सोसाइटी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे प्रॉपर आपको साइंस सोसाइटी के बारे में, एंड ये वो वाली साइंस नहीं होगी जो आपने बचपन से पढ़ी है, ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है जिसमें आपको साइंस का क्या कंट्रीब्यूशन होता है सोसाइटल डेवलपमेंट में। बिकॉज़ ये जो आपकी स्किल्स है सिर्फ रटने के लिए नहीं है, ये आपके दिमाग को ही पूरी तरीके से चेंज कर देगा। आप जैसे सोचते हो ना, इन सारे कोर्सों के बाद आपकी सोच बदल जाएगी, काफी चीजें आप सीख जाओगे जो आपको डेफिनेटली ग्रो होने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, ठीक है ना। तो ये बात हो गई यहां पे इन एड ऑन कोर्सेज के बारे में। अब बात करते हैं हम यहाँ पे जो नेक्स्ट चीज है वो है यहाँ पे क्रेडिट ट्रांसफर, जिसके लिए आप काफी लोगों के मन में डाउट भी चल रहा है एंड काफी लोग कह रहे हैं कि क्या होगा इससे। देखो यार मेन चीज यहाँ पे अगर आप समझो तो यहाँ पे आप जब जब एक एक सेमेस्टर क्लियर करोगे तब तब आपको कुछ कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, क्रेडिट्स मिलेंगे, एंड वो क्रेडिट आपके ऐड होते रहेंगे। तो फर्स्ट ईयर में दो सेमेस्टर आपके कंप्लीट होने पे आपको जो है यहाँ पे सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जब आपके दो साल कंप्लीट हो जाएंगे मतलब आपके चार सेमेस्टर कंप्लीट होंगे तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और इस तरीके से आपके क्रेडिट बढ़ते रहेंगे, आपकी जो है वैल्यू भी इंक्रीज होती रहेगी। यहां पे ये करिकुलम है, ये आपका कंप्लीट करिकुलम है जो अब आपका फॉलो होगा यहां पे। तो यहां पे प्रॉपर देख सकते हो कि आपने दो सेमेस्टर कंप्लीट करे आपको मिल जाएंगे यहां पे टोटल 48 क्रेडिट, दैट मीन जैसे ही आपके 48 क्रेडिट कंप्लीट होंगे आपको मिल जाएगा सर्टिफिकेट। तो अब अगर आप चाहते हो यार एक साल कंप्लीट होने यार मैं आगे कंटिन्यू नहीं करना चाहता, आप चाहते हो कि नहीं यार अब मेरे से नहीं हो रहा,
तो आप पहले साल में फर्स्ट ईयर में लीव करोगे तो आपके पास हाथ में होगा सर्टिफिकेट जो आप दिखा सकते हो कि हाँ मेरे पास सर्टिफिकेट है। ओके ये हो गया। अब आपने एक साल कर लिया, उसके बाद आप कहते हो यार सेकंड ईयर भी आपने कंप्लीट कर लिया, सेकंड ईयर में आपको और यहाँ पे 52 पॉइंट मिल जाएंगे, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे इन टोटल 100 क्रेडिट। तो 100 होते ही आपको मिल जाएगा डिप्लोमा। तो अब चाहते हो, आप कहते हो यार 2 साल याद यार मैं कंटिन्यू नहीं कर चाहता कि यार बस हो गया, 2 साल हो गया, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है कई बार या कुछ भी होता है, तो उस केस में अगर आप छोड़ते हो 2 साल के बाद अपना कॉलेज, तो आपके हाथ में डिप्लोमा होगा। यार इस केस मतलब ये हो गया कि आपके यार ये नहीं कि आप छोड़ के जा रहे हो उसके बाद आप बिल्कुल ब्लैंक हो कि आपकी डिग्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपके हाथ में कुछ ना कुछ होगा। तो आपके पास डिप्लोमा हो जाएगा सेकंड ईयर के बाद, ठीक है ना। अब आपने सेकंड ईयर बाद क्या यार कंटिन्यू करते हैं, आप थर्ड ईयर में, आपने थर्ड ईयर कंप्लीट करा, आपको और मिल जाएंगे यहां पे 48 पॉइंट, तो इन टोटल हो जाएंगे आपके 148 क्रेडिट आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है ना। तो अब आपके पास यहां पे आ जाएगा बैचलर ऑफ आर्ट्स या फिर कॉमर्स या फिर साइंस ऑनर्स इन डिसिप्लिन, तो ये डिग्री आपके हाथ में आ जाएगी 3 साल के बाद, ठीक है ना। तो ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 साल ही करने हैं, आप चाहो तो 3 साल छोड़ोगे तो आपको 3 साल में ये डिग्री मिलेगी, ठीक है ना। अब बेनिफिट 4 साल का होगा क्योंकि 4 साल के बाद आपको और एक एडवांस डिग्री मिलेगी। 4 साल की देखो फायदा तो एक्स्ट्रा करने में फायदा तो होता ही है, बट जरूरी नहीं है आप ये कह रहे हो कि नहीं यार मेरे को 3 साल की करनी थी, चाहे अब यार मेरे को 4 साल, ऐसा नहीं है। आप चाहो तो 3 साल का छोड़ोगे तो आपको जो है यहाँ पे डिग्री मिलेगी, बट वो उतनी एडवांस होगी जितनी आपकी 4 इयर्स की है, ठीक है ना। जो यार आपसे 1 साल फालतू पढ़ेंगे तो यार फिर उनको तो फायदा मिलेगा ही एक्स्ट्रा। तो अब जो है आपकी 3 साल की डिग्री होने के बाद आप कहते हो यार मैं 1 साल और कर ही लेता हूँ, 4 साल की कर ही लेता हूँ, तो आपके पास यहाँ पे 148 ऑलरेडी है। इसके बाद जो है आपको 24 इन टोटल 48 और मिलेंगे डिसर्टेशन ऑन मेजर और इंटरडिसिप्लिनरी डिसर्टेशंस। ये दो अगर आप कर लेते हो, इन दोनों को करने के बाद जो है आपको मिल जाएगा यहाँ पे बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी ऑनर्स इन डिसिप्लिन 4 इयर्स का, ठीक है ना। ये डिग्री आपको मिल जाएगी और आपके पास क्रेडिट होंगे 196। यार दैट्स ग्रेट कि आपके पास 196 क्रेडिट होंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आप इन डिसिप्लिन के अंदर यहाँ पे आ जाओगे 4 साल की डिग्री के साथ। अब देखो इसमें एक चीज और है, अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं फोर्थ ईयर में, या तो आप सिर्फ ये बीकॉम बीए बीएससी ऑनर्स इन डिसिप्लिन कर सकते हो, या फिर अगर आप साथ में फोर्थ ईयर में अपने इंटर्नशिप या फिर कर लेते हो इंटर्नशिप, तो आपको यहाँ पे 24 पॉइंट्स और मिल जाएंगे यहाँ पे। तो आपका जो बन जाएगी लास्ट ही डिग्री, जो सबसे बेस्ट सबसे एडवांस डिग्री है आपके लिए, वो है यहाँ पे बीए या फिर बीकॉम या फिर बीएससी ऑनर्स इन डिसिप्लिन विद रिसर्च, ठीक है ना। तो विद रिसर्च आपको मिल जाएगी, आपकी जो डिग्री मिलेगी उसमें आपके विद रिसर्च इंक्लूडेड होगा, 4 साल की होगी। तो अब जो है आपकी वैल्यू और इंक्रीज हो गई है। सो यार देखो इसमें आपका फायदा ही फायदा है, कहीं नुकसान नहीं है। अगर आप बीच में चाहते हो 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में या 4 साल में बिना इंटर्नशिप करे, तो आप बीच में भी छोड़ सकते हो, उसके आपको जो है डिग्री मिलेगी। बट इसमें आपका फायदा यह है कि अगर आप और कंटिन्यू करते हो 1 साल और साथ में रिसर्च भी करते हो यूजिंग इंटर्नशिप्स, तो आपको जो है यहाँ पे और बेनिफिट मिलेगा। तो आपकी जो एम्प्लॉयबिलिटी है, जो आपकी नॉलेज है, आपकी स्किल्स है, सब एक्सट्रीम लेवल तक पहुंच जाएंगी इन 4 साल के एंड तक, ठीक है ना। तो आप चाहो तो बीच में भी इसमें इंटर्नशिप कर सकते हो या फिर लास्ट में भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर आपको विद रिसर्च चाहिए तो आपको लास्ट में यहाँ पे इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो आपकी डिग्री सोचो यार कितनी ज्यादा हो जाएगी। तो अब इसमें यार सब कुछ आपको ऑप्शन बेस हो चुका है कि आप जो चाहते हो वो आपके ऊपर है। 1 साल चाहते हो तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा, 2 साल चाहते हो डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल में आपको डिग्री मिल जाएगी, 4 साल में डिग्री मिलेगी वो डिसिप्लिन में थोड़ी एडवांस हो जाएगी, और अगर आप साथ में इंटर्नशिप कर ले तो आपको विद रिसर्च का टैग मिल जाएगा। तो एक काफी अच्छी बात है यार। तो इसमें आप मुझे अब बताओ, मुझे कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप बताओ कि यार इसमें कहां आपको नुकसान है, जो भी अब नए बच्चे आने वाले हैं कहां नुकसान है आपका, आप मुझे ये बताओ। बल्कि आपका फायदा ही फायदा है कि आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ रही है, स्किल बढ़ रही है, जो एक्स्ट्रा कोर्स होते थे वो आपको अब फ्री में अपने कोर्स के साथ ही मिल रहे हैं। तो फायदा ही है इसमें। एंड यार बस मुझे ये वेट है कि कैसे इसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। अगर ये प्रॉपरली इंप्लीमेंट होता है तो यार सही में ये वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन है आज तक का इन दिल्ली यूनिवर्सिटी एज वेल एज अदर यूनिवर्सिटी, ठीक है ना। सो गाइज आज की वीडियो बस इतनी है। आई होप जो मैं आपको समझा था कि वो मैंने आपको समझा दिया होगा, आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी, आपको इसके प्रॉपर बेनिफिट पता चल गए होंगे। सो अब मुझे बताओ कि वीडियो आपको कैसी लगी, अपने सजेशन अपना फीडबैक मुझे दो नीचे कमेंट सेक्शन में। एंड मिलते हैं वीडियो में, वेरी गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ऑल्सो यार चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, बिकॉज और ऐसी वीडियोज बहुत जल्दी जल्दी आने वाली है। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक वेरी गुड बाय, हैव अ नाइस डे।